मेड्यूसा देखने में जितनी खतरनाक उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली भी थी। अधिकतर लोगों को सिर्फ इतना ही पता होगा कि मेड्यूसा के सिर पर बाल नहीं बल्कि सांप थे, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि मेड्यूसा पहले एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। मेड्यूसा एक ग्रीक गॉडेस एथेना की बहुत बड़ी भक्त थी और एथेना के मंदिर में पुजारिन बनना चाहती थी, लेकिन एथेना के मंदिर में पुजारिन बनने के लिए कुछ नियम थे, जैसे कि वहां की पुजारिन को पूरी जिंदगी वर्जिन ही रहना होगा। मेड्यूसा इस नियम को मान लेती है और वहां की पुजारिन बन जाती है। कुछ समय के बाद मेड्यूसा की सुंदरता के चर्चे हर जगह पर होने लगे। लोग एथेना के मंदिर में सिर्फ मेड्यूसा को देखने के लिए आते थे। जब एथेना को इस बात की भनक लगी तो वो मेड्यूसा से मन ही मन चिढ़ने लगी और उसकी एक गलती का इंतजार करने लगी। एक दिन समुद्र के देवता पोसाइडन मंदिर में आते हैं और मेड्यूसा को देखकर उसके दीवाने हो जाते हैं। उसको अपने मन की बात बताते हैं, लेकिन मेड्यूसा मना कर देती है, जिसके बाद पोसाइडन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो मेड्यूसा को जबरदस्ती हासिल कर लेते हैं। और इस घटना को एक बहाना बनाकर एथेना मेड्यूसा को बदसूरत और भयानक बनने का श्राप दे देती है और साथ ही ये भी कहती है कि अगर तुम्हारी आंखों में कोई देखेगा तो वो पत्थर का बन जाएगा।